नमस्कार, मैं ईशा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। नगर पंचायत बिल्हा के वार्ड क्रमांक 14 और 15 में जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोरोना वायरस के बचाव के लिए अभियान चलाए गए और कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या क्या उपाय है उसकी जानकारी विकास खंड चिकित्सा अधिकारी शोभा गड़ेवाल वालों ने दी। आज कोरोना वायरस संक्रमण पूरे विश्व में फैलता नजर आ रहा है, जो पूरे विश्व के लिए घातक साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा इसका शोध नहीं पता चला है। आज पूरे विश्व में कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए बिलासपुर जिला अंतर्गत विकास खंड बिल्हा नगर पंचायत बिल्हा के सभी वार्डों में सूचना जारी होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पर आज जनप्रतिनिधियों के द्वारा वार्ड क्रमांक 14 और 15 में कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए जो जो सावधानियां बरतनी चाहिए, यह सूचना के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने बताया और अपने वार्ड के हर मोहल्ले में घूम घूम कर मोहल्ले वासियों को इनकी जानकारी दी। वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद प्रतिनिधि ब्रजनंदन साहू, वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद लक्ष्मी नारायण नवरंगा, साथ में ग्राम कोटवार जलेश्वर दास मानिकपुरी, पूर्व पार्षद श्यामलाल कौसले, रामायण कौशिक और वार्ड के नागरिक भी जन सूचना करते हुए दिखाई दिए। कोरोना वायरस संक्रमण की बचाव हेतु बिल्हा खंड चिकित्सक अधिकारी सौभाग्य वालों ने बताया कि हमेशा मुँह में मास्क बांधना चाहिए, कहीं से भी आने के पहले हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करना चाहिए, हमेशा लोगों से दूरी बनाते हुए रहना चाहिए। राघवेंद्र सिंह, हिंदुस्तान न्यूज 24, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस की तरह शिकायत आ रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अभी बिलासपुर जिला के अंतर्गत बिल्हा के वार्ड क्रमांक 15 में अभी सूचना दिया जा रहा है आम जनता को जागरूक होने के लिए। इसी विषय में आइए आपसे जानकारी लेते हैं जन प्रतिनिधियों के द्वारा। जी, नाम बताएंगे अपना? लक्ष्मण नारंग, कौन से वार्ड से? वार्ड क्रमांक 15 पार्षद। अभी कोरोना वायरस का शिकायत चल रहा है, जिसकी सूचना दिया जा रहा है, इसके विषय में बताएंगे। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में सूचना दिया है कि अपने घरों से न निकले और 5 जन का ग्रुप न बनाए और अपने अपने घरों में रहे और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी, नाम बताएंगे? जी, मैं ग्राम कोटवार केसला का जलेश्वर दास पानीपुरी बोल रहा हूँ। यहाँ पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ग्रामवासियों को सूचना कर रहे हैं कि अपने घरों में रहो और सभी को घर वाले को बोल रहे हैं कि साबुन से हाथ धोए, बार बार हाथ धोए, कुछ भी करने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले जब घर में जाते हैं तो साबुन से हाथ धोए, इसे स्वच्छ रहेगा। अभी जी, नाम बताएंगे अपना? ब्रजनंदन साहू, वार्ड नंबर 14 पार्षद प्रतिनिधि। जी, अभी कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, जिसका सूचना दिया जा रहा है, तो इस विषय में क्या क्या आप लोग तैयारी करके रखे हैं, अपने वार्ड को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहते हैं आप लोग? वही है कि भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो निर्देश दिया गया है आम जनता को, उसी को हम पालन करने के लिए जनता को उत्साहित कर रहे हैं माइक और इसके द्वारा। इससे अभी जैसे वार्ड क्रमांक 14 और 15 में नियंत्रण के लिए उपाय दिया जा रहा है, ये कहां तक अभी तक सक्सेस हुआ है या आगे कितने दिनों तक आप लोग करना चाहते हैं? अब देखिए, जनता के ऊपर है, हम लोग का काम है उत्साह करना। हम लोग तो हर मोहल्ले हर गली में घूम रहे हैं बोलने के लिए, बाकी अब जनता के ऊपर है कितना ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं, हमारा काम बोलना है। मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा BMO। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा
प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें, एक व्यक्ति जाए, और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएं और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें, अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं, होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें, और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आए, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा, और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है, और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है, और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले, यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है।